डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। आपको बहुत बहुत बधाई। मैं अंजलि सारस्वत आज आपके व्यक्तित्व निखारने के एक बेहद अहम पहलू पर बात करने जा रही हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सफलता के पीछे वो कौन है जिनका अनकंडीशनड सपोर्ट आपको लगातार मिलता रहा है? उनके प्रति कृतज्ञ होना क्यों जरूरी है और कैसे अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं? अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले ईश्वर को दीजिए, जिसने खूबसूरत जिंदगी जीने का मौका दिया है, जिसकी शक्ति से आप वो कर पाते हैं जो आप चाहते हैं। उसे तहे दिल से धन्यवाद कीजिए। निस्वार्थ भाव से आपका भला, आपकी प्रोग्रेस, आपकी सफलता चाहने वाली दो कैटेगरीज हैं, आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स। पेंडेमिक के दौर में फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझते आपके पिता, जिन्होंने आपसे कभी अपनी बात शेयर नहीं होगी कि किस आर्थिक समस्या के साथ मानसिक द्वंद्व के दौर से वो गुजर रहे हैं। खुद सेलफोन यूज किया होगा, लेकिन आपके लिए किसी न किसी तरह स्मार्टफोन अरेंज किया होगा। कहीं आपकी ऑनलाइन क्लासेस ना मिस हो जाएं, कहीं मेरे बच्चों की शिक्षा में कोई व्यवधान ना आ जाए। आपकी माँ, जो सारे दिन रसोई में और घरेलू काम संभालते संभालते थक गई होंगी, लेकिन आपके न्यूट्रिशन को कभी कोई कमी नहीं आने दी। हर वक्त मन में ये बात कि आपकी सेहत ना खराब हो जाए, कहीं कोई आपको तकलीफ ना हो जाए। केंद्र होती है हर घर की माँ, इसके इर्द गिर्द सारा परिवार प्लैनेट्स की तरह जुड़ा रहता है। उसको बहुत अच्छे से पता है अपना रोल। जरा सी ढिलाई हुई कि सारी घर की व्यवस्था चरमराई। अपने आप से पूछिए कि कितनी बार आपने पढ़ने का बहाना बनाकर फोन पर कुछ और किया है, क्लासेस मिस की हैं। क्या कभी अपनी माँ से शेयर किया? नहीं, आज करिए। बहुत जरूरी है कि आपने जो शैतानियां की, अब उन तक जरूर उन बातों को पहुंचाइए, उनसे बात कीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपके भविष्य को सुंदर बनाने की अपनी चाहत लिए, अपने शौक, अपनी रुचियां, अपने इंटरेस्ट, अपनी जरूरतों को दरकिनार करते हुए आपके पेरेंट्स, उनके अनकंडीशन लव एंड सपोर्ट के लिए उनके कृतज्ञ होइए। उनसे उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कीजिए, सॉल्यूशन निकालने में उनकी मदद कीजिए। कोई अहम निर्णय लेने से पहले उनकी राय भी जानिए। अपने छोटे बड़े भाई बहन जिन्होंने एग्जाम्स के दौरान आपको डी-स्ट्रेस करने का जो खूबसूरत काम किया, उनको भी ये एहसास कराइए कि तुम्हारे लिए उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है। अब बात आती है आपके स्कूल एनवायरनमेंट, आपके प्रिंसिपल और आपके टीचर्स की। चिल्ड्रन, ये वो कैटेगरी है जिसने आपको शिक्षित करने में हर कदम पर हर संभव कोशिश की है। ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन क्लासेस तक, मास्क से लेकर सैनिटाइजर के यूज तक, गूगल फॉर्म के एग्जाम्स देने की प्रैक्टिस कराने से लेकर सब्जेक्टिव पेपर्स की आदत डलवाने तक, जब तक समझ न आ जाए, हर तरीका अपनाने से लेकर आपके मनोबल को बनाए रखने और हर हालत में आपको मार्गदर्शन देने की हर संभव कोशिश की है। कभी डांट डपट भी की होगी तो उसके पीछे उनका इरादा नेक था। भले आपको बुरा लगा हो, लेकिन आज आप उस बात को समझिए। जाइए, अपने स्कूल जाइए, मिलिए उनसे, उनके एंडलेस एफर्ट्स और सपोर्ट के लिए, उनकी ब्लेसिंग्स के लिए उनका आभार व्यक्त कीजिए, धन्यवाद दीजिए। स्टूडेंट्स की सफलता में ही उनके टीचर्स की सफलता होती है।
मिली अपने प्रिंसिपल सर और मैडम से, जिन्होंने हेल्दी स्कूल एनवायरनमेंट बनाए रखने की हर कोशिश की कि आप अच्छे से पढ़ सकें। अपने स्कूल के उन वर्कर्स को भी धन्यवाद दीजिए जिन्होंने हाइजीन मेंटेन कर आपको बीमार होने से बचाया, आपको स्वस्थ रखने में मदद की। अपने फ्रेंड्स का भी आभार व्यक्त कीजिए जिनके सहयोग व मौज मस्ती के साथ आप परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाए। हर उस व्यक्ति का आभार व्यक्त करना जीवन में बहुत जरूरी है जिसने कदम कदम पर आपको सहयोग किया है। मैंने भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ के 35 इयर्स की सक्सेसफुल जर्नी के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन को कैसे कृतज्ञता व्यक्त की, इसके लिए आप वीडियो जरूर देखिए। शुक्रिया केवीएस। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आपने अपना आभार कैसे व्यक्त किया। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।